उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय ब्रिटेन का दौरा कामयाब रहा। उत्तराखंड लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन से 12,000 करोड़ के ठोस MOU के साथ में वापस करेंगे। 3 दिन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ राज्य में निवेश के लिए करार हुए हैं। इसमें खासकर पर्यटन और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति खासा उत्साह है। इस निवेश से राज्य के विकास को गति मिलेगी, वहीं राज्य के युवाओं के लिए भी रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। दिनों का यहाँ का प्रवास रहा है जिसमें संवाद कार्यक्रम हुए हैं, अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं।